बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिटन कराची से राणा उमर दिलदार। व्यूवर्स, आप व्यूवर्स मेरी मल्टीपल वीडियोस दे चुके हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ का लाइफस्टाइल दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसी के रेलिवेंट मैं यहाँ पर मिर्ची 360 जी मिर्ची 360 के नाम से एक रेस्टोरेंट बैरिटन कराची की एक मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस मिडवे बी में ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है। तो यहाँ पे आज मेरे साथ मौजूद हैं बहादुर नियाजी साहब, जो इस ब्रांच के हेड हैं, पूरी इस ब्रांच को ये देख रहे हैं। तो आज हम उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे उनका बिज़नेस एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ पे कस्टमर्स का फ़्लो कैसा है, या यहाँ आने से पहले उनके जेहन में जितने भी अश्काल हैं तो वो आज दूर हो सके हैं या नहीं हो सके। तो सीक्वेंस वाइज मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आप ये हमारी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम बहादुर नियाजी साहब, कैसे हैं? ठीक हैं जी। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फ़ैन चल रहा है तो ऊँचा बोलना पड़ेगा। बहादुर साहब, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बैरिटन में आकर कैसा लगा, आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा तो शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, यहाँ पे जितना भी हमने जब से यहाँ पे ओपनिंग की हुई है जी, तो बिज़नेस जो था हमारा ओपनिंग से पहले भी आवाम आ रही थी और पूछ रही थी कि कब ओपन होगा, कब ओपन होगा जी। लेकिन ये कि जब भी हमने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया तो हमें जो रिस्पॉन्स मिला यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला जी। और उसी दिन से ही हमारा जो टेस्ट है वो पसंद भी किया जा रहा है, और जितने भी कस्टमर्स है वो जब भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हम जितनी भी आपकी ब्रांच है हमें सबका टेस्ट पसंद आ रहा है, और यहाँ का कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ का सिस्टम और यहाँ का तौर तरीक़ाकार और यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, और सिस्टम भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छी है जी। तो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया बहरिया टाउन में ब्रांच खोलने का, और हमने बहरिया टाउन में ब्रांच खोला और यहाँ की आवाम को हमने ये सहूलत दी कि वो दूर दूर जाने से महफूज हो गए और यहाँ पे उनको ये सहूलत मिल गई जी। ज़बरदस्त। और अब ये है कि जितनी भी आवाम आ रही है शुक्र अल्लाह का हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है, और जो भी कस्टमर जा रहे हैं और आ रहे हैं ये यही कह रहा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त जी। बहादुर भाई, इसमें नो डाउट कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी काफ़ी दफ़ा इसको टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ बैरिटन आने से पहले अगर आपको कुछ आपके तहफ़ात थे कि यार पता नहीं यहाँ पे बिज़नेस रन होगा या नहीं होगा, या वहाँ पे कस्टमर्स का फ्लो है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट्स के लिए आप ज़रा बता दें। बात तो यह है कि असल में यहाँ पे बिज़नेस का जो सिस्टम होता है वो यही होता है कि ये अल्लाह ताला ने ही देखना होता है जी जी, तो वो अल्लाह ताला ही चलाता है जो भी है। वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालुहु बिन्नियत, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। जो भी कारोबार होता है वो नियत से होता है, अगर इंसान की नियत साफ़ है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो बरकत भी देता है और अल्लाह ताला उसका साथ भी देता है जी। तो रिज़्क देने वाला वो रब की ज़ात है, अगर हम यही देखते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने पैदा किया और सब कुछ उसी ने ही हमें देना है और अता करना है, तो फिर तो सब कुछ अच्छा ही है और ज़बरदस्त है। अगर हम ये सोचें कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो इस तरीके से फिर चलता भी नहीं, नहीं चलता बिल्कुल। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी जितनी भी ब्रांचें खुल रही है, जहाँ जहाँ भी खुल रही है सिंध में, शुक्र अल्लाह का जिस भी ब्रांच का वो हमने ओपन किया हुआ है, हमारी टीम ने ओपन किया है, हमारे हेडों ने ओपन किया हुआ है, वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला और अच्छा ही बिज़नेस चला ज़बरदस्त, और अभी तक ही अच्छे तरीके से ही चल रहा है। और यहाँ पर भी हमने जो ब्रांच ओपन किया तो ये हमने नहीं सोचा कि चलेगा नहीं चलेगा, हमने अल्लाह ताला का नाम लिया और हमने यहाँ ब्रांच को ओपन किया और आज अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर कस्टमर जो है वो खुश है माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक आपके काम में मज़ीद बरकत डाले। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, देखें किसी भी जगह पर किसी भी कम्यूनिटी में अगर हम अपनी कोई भी आउटलेट ओपन करते हैं तो वहाँ का सबसे पहले हमें जो कस्टमर्स का रवैया है वो देखने को मिलता है कि यार यहाँ पर कस्टमर्स का रवैया कैसा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं क्या वो कोऑपरेटिव हैं? कस्टमर जो है, अब ये तो हर किसी का अपना अपना माइंड होता है जी, ठीक है, सब एक माइंड के मालिक नहीं है,
कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सही है, कोई गलत है, कोई नॉर्मल है, कोई थोड़ा सा मतलब वो है टेस्ट टाइप का है। जी जी तो हर कस्टमर को जो है ना वो अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ज़बरदस्त, ठीक है ना। हमने कस्टमर को देखना है क्योंकि हम बैठे हुए हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर को हमने किसी भी तरह हैंडल करना है, कस्टमर को हमने खुश करना है और उसको जिस तरीके से यहाँ पे खाना चाहिए, फूड चाहिए, वो हमने उसी तरीके से उसको देना है जो उसके माइंड के मुताबिक हो। क्योंकि हम पहले ख़ुद तो ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर से पहले हम ये मालूम करते हैं, उससे इस बात पे डिस्कस करते हैं कि आप स्पाइसी खाएँगे, नॉन स्पाइसी खाएँगे, मीडियम स्पाइसी खाएँगे, तो सारी बातें हम वादे तौर पर वो पूछ उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। फिर इसमें ये आसानी होती है हमारे लिए कि कस्टमर जो जिस तरीके से खाने का वो आदि होता है उसको उसी तरीके से खाना मिल जाता है और हमें उसकी इज्जत का और हौसला अफजाई का और उसकी जो है मतलब उसकी खिदमत का हमें मौका मिल जाता है। और वो यही बड़ी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ये यहाँ पे ये सिस्टम है और इसी वजह से हमारा जो सिस्टम चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और कस्टमर भी खुश होके जा रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। व्यूअर्स, आपने बहादुर नियाज़ी साहब से इनके व्यूज़ जाने कि इनका बिज़नेस एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारी इस बैरीटोन कम्युनिटी के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं, ये हर चीज़ इन्होंने डिटेल में डिफ़ाइन कर दिया। देखें, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किसी भी कस्टमर्स को आप उसकी साइकी के हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरह की उसकी साइकी होगी वैसी ही सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपसे डील हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपने अगर किसी भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे साथ रابطہ करें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप 24 आवर رابطہ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।